सभी साथियों को जय भीम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, समायोजन फॉर एडॉप टीचर्स। हम सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5000 के आसपास अध्यापक ऐसे हैं जो न सिर्फ 5-10 सालों से पढ़ा रही है, बल्कि भारत के शिक्षक इतिहास में एक ऐसा भी है कि लगातार एडॉप पढ़ाने के बाद रिटायरमेंट तक टीचर्स पहुँचे हैं। एक बार फिर से समायोजन के मुद्दे पर हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जो विभिन्न कॉलेजेस के टीचर्स हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज इस स्ट्राइक को चौथा दिन है, जिसमें लगातार शिक्षक, न सिर्फ शिक्षक की बल्कि महिला शिक्षकों की भी उपस्थिति एक तरह से सराहनीय है। सरकार को इस इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक से भी अभी तक उनके कान पे जोर रखती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि शिक्षकों के लगातार या संगठनों के लगातार हंगर स्ट्राइक से भी स्टेट को, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट पर। इस हंगर स्ट्राइक को आज चौथा दिन है। हमारे साथ आज जहाँ हंगर मेरे पीछे आप नाम देख सकते हैं, डॉक्टर अवधेश कुमार लक्ष्मीबाई कॉलेज से, हिमांशु सत्यवती कॉलेज से, विनय कुमार सत्यवती कॉलेज से, और डॉक्टर कमल किशोर लक्ष्मीबाई कॉलेज से, और भी बहुत सारे शिक्षक जो लगातार चौथे दिन भी बैठे हुए हैं। और आइए हम आज उनसे बात करते हैं कि यह हंगर स्ट्राइक किस लिए की जा रही है, क्या उनको कोई उम्मीद सरकार की तरफ से, विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की तरफ से, MHRD की तरफ से या UGC की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन उनको दिखाई दे रहा है कि उनकी हंगर स्ट्राइक से ये समायोजन का मुद्दा होगा। साथियों, मैं बता देना चाहती हूँ कि समायोजन का मतलब ये है कि लगातार एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, एडहॉक पोस्ट पर पढ़ाते हुए, अगर वो शिक्षक लगातार पढ़ा रहा है तो उसको स्थायी किया जाना चाहिए। हालांकि मैं पीछे देख पा रही हूँ, रोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 पॉइंट, बैनर पे साफ साफ लिखा हुआ है विद 200 पॉइंट रोस्टर। आइए, जो आज यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनको लगता है कि उम्मीद है कुछ। आप अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं सत्यवती कॉलेज सांदे में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। डिपार्टमेंट कितने साल से आप यहाँ? मेरा अब इस साल 9 साल हो गए, एडहॉक में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं पिछले एक ही कॉलेज में की तरह कभी यहां नहीं, वो उसमें मैं लकी रहा कि सत्यवती कॉलेज सांद इस मामले में जब मैं सैंक्शन पोस्ट पे था तो मुझे वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ी अन्य एडहॉक साथियों की तरह, जो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज फेंका जाता रहा है और उनके जीवन में ज़्यादा अनिश्चितता है। अनिश्चितता तो एडहॉक शब्द के ही साथ है, बट एडहॉक के साथ जितनी समस्याएं हैं, हर एडहॉक एक समस्या के रूप में अपने जीवन को काट रहा है। और मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ कि परमानेंट टीचर्स का जो बोर्ड बैठता है और एडहॉक टीचर्स का जो बोर्ड बैठता है, उनकी योग्यता, उनके अनुभव, उनके API पूरा सिस्टम या उनके अकेडमिक क्रेडेंशियल क्या बराबर होती है? जी मैम, बिल्कुल। जो एडहॉक पढ़ाया जाता है, जो एडहॉक अपॉइंटमेंट होते हैं वो UGC रेगुलेशन 2007 के अंदर होते हैं, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन कमेटी है जो कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी ही होती है। हमारे दर्शकों को ये समझ आ जाना चाहिए कि जो स्थायी शिक्षक का जो प्रोविजन है, स्थायी करने के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, एज इट इज जो अस्थाई करने के लिए लिया जाता है, उसमें एक या दो एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। लेकिन जो एडहॉक टीचर्स के लिए है, उसमें एक्सपर्ट एक या दो कम होते हैं। जो उसमें एक्सपर्ट डिपार्टमेंट से बुलाए जाते हैं और कॉलेज लेवल में कॉलेज के सीनियर टीचर और TIC ही सिलेक्शन कमेटी के पार्ट होते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि जब सिलेक्शन कमेटी ने इकोनॉमिक्स या फिजिक्स के टीचर को रखते हुए उन्हें इकोनॉमिक्स और या फिजिक्स के ही सवाल पूछे होंगे, और जो डिपार्टमेंट से टीचर आएंगे वो भी इकोनॉमिक्स या फिजिक्स के टीचर को रखते हुए इकोनॉमिक्स फिजिक्स से ही का ही सवाल पूछेंगे। ये नहीं होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में जब परमानेंट के नाम पर सिलेक्शन कमेटी बनेगी तो वो इकोनॉमिक्स के टीचर से फिजिक्स का सवाल पूछेंगे। उनको, उनकी भी पढ़ाने की क्षमता ही जांची जाएगी, उनकी योग्यता जांची जाएगी, और ये योग्यता UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, UGC के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो फुलफिल करता है उसी को एडहॉक अपॉइंटमेंट मिलता है। और UGC का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया MA
प्लस नेट या पीएचडी या नेट और पीएचडी दोनों हो तो ही उसे एडहॉक पढ़ाने का मौका मिल पाता है। या गेस्ट टीचर भी अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो वो भी यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ ही पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी एडहॉक साथी हमारे पढ़ा रहे हैं 60% से ज़्यादा यानी 5000 से ज़्यादा एडहॉक साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, कई एडहॉक साथियों का तो 20 से 25 साल हो गया एडहॉक में, मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी का फुलफिल करते हैं, फिर भी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय को क्या समस्या है इन एडहॉक साथियों को परमानेंट करने में। और दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 8 सालों 10 सालों में कई बार परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरवा रखे हैं, और हमारे जैसे कई अभ्यर्थी हैं जो सिस्टम में हैं और नहीं भी, उन्होंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय को लाखों करोड़ रुपये पैसे दे दिए और वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, वो वापस भी नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि ऐसे हंगर स्ट्राइक पे बैठने से एमएचआरडी मिनिस्ट्री को या फिर स्टेट को या दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को या फिर जितनी भी हमारी मतलब सो कॉल्ड जो यूनिवर्सिटी को रन करते हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा? मैम अब हद पार हो गई है, जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी थी उसको एमएचआरडी मिनिस्टर ने रोस्टर के मामले में फंसा के 13 पॉइंट रोस्टर का हवाला देते हुए अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को रोक दिया। दिल्ली एमएचआरडी मिनिस्टर से याद आया, आपसे मैं अभी दोबारा मुलाकात करती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले शायद 3-4 दिन हुए होंगे एमएचआरडी मिनिस्ट्री का ये बयान था कि संस्कृत विश्वविद्यालय 3 जो एक तरह से संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, विद्यापीठ लाल बहादुर शास्त्री और तिरुपति विद्यापीठ, उनको ये कहा गया, ये प्रकाश जावड़ेकर जी का, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान है कि उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो लगातार कॉन्टैक्ट बेसिस पे वहाँ पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में कैंपस में, जैसा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अलग अलग जगह पे कैंपस है, उनको स्थायी किया जाएगा, तो ऐसा भेदभाव क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ 10-10, 12-12 रिटायर्ड तक प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते एडहॉक पे परमानेंट नहीं होते, एक तरफ आप दूसरी यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि आप उनको न सिर्फ संस्थानों को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे बल्कि वहाँ के सारे शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा, ये एमएचआरडी का बयान है। और न सिर्फ एमएचआरडी का बयान है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी हमारे हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है, उस सेशन में बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय राकेश सिन्हा जी ने, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर भी हैं अभी भी, मतलब हो सकता है जो भी रहे होंगे लेकिन एट प्रेजेंट वो एमपी भी हैं, उन्होंने बाकायदा मांग की है राज्यसभा में कि जितने भी यूनिवर्सिटीज में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनको स्थायी किया जाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ तो राज्यसभा में भी ये मांग की जा रही है मिनिस्टर्स के द्वारा कि उनको स्थायी किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर एमएचआरडी मिनिस्ट्री को कोई बयान नहीं आता, इसके ऊपर आप लोगों की यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए प्रोफेसर जो आज राज्यसभा तक पहुँचे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी का जिक्र तक नहीं करते जबकि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। एकदम साथ ही साथ पैरेलल में बिल्कुल जनकपुर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, यहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, आपके इसका कहीं जिक्र तक नहीं आता, और दूसरी तरफ संस्थानों को आप मांग कर रहे हैं स्थायी शिक्षकों की, और जल्द से जल्द उसके तुरंत बाद बयान भी आया और मुझे लगता है कार्रवाई शुरू हुई। और चूंकि मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट में, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखिए मैम, सही होने में और सबसे बड़ा तो आपका धन्यवाद है कि नेशनल पर्सनैलिटी हमारे इस कंसर्न को इतने अच्छे से ले रही है, थैंक यू सो मच। और मैं आपकी बात में एड ऑन करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि सही होने में और शरीफ होने में बहुत फ़र्क होता है। ये लोग दिखने में शरीफ हैं लेकिन एज ए ह्यूमन बींग इनके नेचर में बहुत चेंजेस हैं। हमारे ही दिल्ली विश्वविद्यालय से राज्यसभा में चले गए माननीय राकेश सिन्हा जी, वो जब तक टीवी डिबेट में आज तक आए हम उनकी डिबेट में कहीं हिस्सा नहीं थे, आज वो चुन के वहाँ चले गए तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू करते हैं कि आप इनको स्थायी कीजिए, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के अपने ही मंत्री प्रकाश, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, ये बर्डन नहीं बनाते हैं कि आप एक अध्यादेश ला के गजट नोटिफिकेशन करके इन सबको समाजित कर दीजिए। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो जिक्र ही नहीं किया, नहीं कर सकते वो कर नहीं सकते क्योंकि हम 4000 से लेके 6000 की स्ट्रेंथ में है, और इतना बड़ा स्ट्रेंथ वो कैसे चाहेंगे कि सारे के सारे अच्छे आदमी बने, क्योंकि उनको जो नौकरशाह आदमी है उसको चाहिए हुक्म बजाने वाला आदमी, और टीचर स्पेशली डीयू का टीचर ये सब चीज़ें नहीं होने देता। और दूसरी बात मैम कि समायोजन पे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज खुल के आएगी
तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय में नेतागण हैं, जो खाली अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का डंका बजाते हुए चाहते हैं, उनका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं, स्पेशली एडहॉक टीचर, हम ये चाहते हैं कि आप हमें खाली टीचर होने का एहसास करा दीजिए। हम आप सबके आइडियोलॉजी के साथ हैं, हम किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है। और यहाँ पे हमारा एक प्रकार से महागठबंधन है सभी टाइप की आइडियोलॉजी का। हम सब पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हम अपने समायोजन के लिए बैठे हैं। क्या राकेश जीना जी, अगर यहाँ आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में समायोजन का समर्थन करते हैं तो आप उनकी बात को सुनेंगे, मतलब वो पहुँचा सकते हैं ऐसा कुछ? मेरी अभी आपने कहा आप किसी भी आइडियोलॉजी से संबंधित, बिल्कुल, अगर वो उनको हमें सुनना चाहिए, उनको वो खुद टीचर हैं, उनको देखना चाहिए कि मेरे ही पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन के बच्चे, पेरेंटल इंस्टीट्यूशन के बच्चे 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो वो उनके पास में उनके अंदर चाय कैसे जा रही है? पहली बात तो ये, हम उनके बच्चों के बराबर हैं सब लोग, सिंपल। दूसरा, प्रकाश जावड़ेकर जी के हाथ में मुझे नहीं लगता कि कुछ है, कोई दावा वो करते हैं वो सब फेंक हो जाता है। SLP उन्होंने डाले हुए रोस्टर पे रोस्टर, रोस्टर पे रोस्टर, ये पहली दुनिया की ऐसी SLP है जो बिना सुनवाई के एक्सटेंड हो रही है। इसका मतलब सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में SLP पड़ी हुई है। SLP का एक सिस्टम लोगों को नहीं पता, तो सिंपल बात, सुप्रीम कोर्ट में आप SLP डालेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ अफेयर्स के पास है वो, और वो जब तक नहीं आगे जाएगी जब तक उस पर एक्सटेंड होता रहेगा। इसका मतलब पूरा जुडिशियल सिस्टम भी हमें नहीं चाहता। खास बात आज की डेट में, मैं आपके थ्रू ये डिमांड करता हूँ कि जितने सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने जजेज हैं वो मानवीय पहलुओं पे स्वयं संज्ञान लेते हैं हर चीज़ पे। क्या आपको इतना बड़ा अनैतिक 5 से 6 साल तक कंटिन्यू से 10-10 साल तक हो रहा है? हमारी माताएं बहनें जो मैटरनिटी लीव पे हैं, एक हफ्ते के बच्चे के प्रजनन के बाद वापस उनको ज्वाइन करना पड़ा, और उस 1 वीक का सैलरी भी डिडक्ट होकर, ये भी गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगे तो आप टीचर हैं या नहीं है। क्या ये मानवीय पहलू नहीं है? क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? लिया जाना चाहिए, और नहीं लिया जानी तो खुद जितने भी सफ़ेद पोष बने हुए हैं और जितने भी सो कॉल्ड ऑफिसर्स हैं जो अनह्यूमन बींग बन चुके हैं हमारी नज़रों में, क्योंकि और उन लोगों के अंदर मानवीय संवेदना नाम का मुझे नहीं लगता कि कुछ है। अगर होता तो कोई ना कोई हमसे बात करने आता, हमारी चीज़ों पे बात रखता और हमारे पहलू को आगे तक लेके जाता। आज 4 दिन से किसी भी टाइप का कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी भी लेवल पे, ना यूनिवर्सिटी के साइड से, ना ही वाइस चांसलर को, वाइस चांसलर को अपने ऑफिस में आपके सामने है, उनके सामने है, रात को भी हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है। हम 1 बजे भी नारा लगाते हैं, वो आराम से सोते हैं, उनका पूरा कैंपस वाईफाई है, उनका पूरा कैंपस वातानुकूलित है, लेकिन हमारा क्या? कल आपने देखा होगा हमारे बारिश हुई थी, बारिश में हम भीग रहे थे, उसके बावजूद भी ये नहीं आया कि आप लोगों का तबीयत कैसा है। खास बात, दूसरी बात, मैम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से है, आप लोगों को वोट चाहिए होती है, चाहे AC में किसी भी चीज़ में, डूटा में आपको, हम हमारे रीजन से तो आप लोग हैं, और अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? डूटा का क्या मानना है, क्या आपके साथ है? डूटा लगातार हम डूटा के थैंक्स हैं कि डूटा के रीजन से हमारा 4 मंथ का भी एटलीस्ट एक्सटेंड हो रहा है। डूटा ने हमें बहुत चीज़ें दी हैं, डूटा ने हमें हमारी बेसिक सैलरी का मिनिमम स्टैंडर्ड दिया है, डूटा ने हमें लीव दी है, डूटा ने हमारे लिए फाइट किया है, और हम भी डूटा के साथ खड़े हुए हैं। डूटा के जितने एजिटेशंस प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे हम लोगों के रीजन से सक्सेस हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है मैम, प्रॉब्लम ये है कि डूटा को हमारा ये मुद्दा, क्या डूटा हमारे इस मुद्दे पे जो शटडाउन 8 और 9 को कर रहे हैं वो, क्या उसको कंटिन्यू करे? उसको कंटिन्यू करना चाहिए डूटा को, कि जब तक शटडाउन ओपन नहीं होगा, जब तक ये समाजन का मुद्दा सोल्व नहीं हो जाता। ये विडंबना है कि इतनी ठंड में, कड़ाके ठंड में हमारे साथ यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर टीचर संघर्ष स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, और ये भी एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य है कि बगल में वाइस चांसलर का आवास है, एकदम ठीक बगल में उनका ऑफिस है, इसके बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी किसी भी तरह का कर्मचारी एक साथ अपना हर शब्द के लिए यहाँ पर नहीं आता। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि समायोजन कहाँ तक, ये लड़ाई कहाँ तक जारी है। मैं आपसे मिलवाती हूँ, आप JNU विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं, आपने MA MPhil से किया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरह से गढ़ भी मानी जाती है। मैंने जितना आपको पढ़ा उसमें मैंने जानने की कोशिश की कि आपने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में। इतना संघर्ष के बावजूद जब हम पीछे झाँकते हैं
एक तरह से जब हम बैक को देखते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, एक उम्मीद जगती है कि हम विश्वविद्यालय दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के पद पर आए, न सिर्फ एक प्रोफेसर बल्कि शिक्षक की एक गरिमा जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, बल्कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आज हम कहने के लिए मजबूर है, अदरवाइज तो आप अपनी संस्कृति का जब जब बखान करते हैं तो आपको शिक्षक और गुरु की एक बहुत बड़ा एक कद आपके सामने दिखा। आपको क्या लगता है ये जो जो आप विश्वविद्यालय में यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, विद्यार्थियों का समर्थन और पूरे स्थायी शिक्षकों का समर्थन आपके साथ है इसलिए? मुझे लगता है कि काफी लोग आते हैं। आप पहले थोड़ा अपना नाम बताइए, थोड़ा सा अपना, मैं आपको देख पा रही थी आपको बहुत, मैं जमीन से उठ के आप यहाँ तक। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 18 अगस्त 2011 से एज एडहॉक फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ, और 4 महीने बाद रिन्यू होता है, थैंक्स टू माई प्राचार्य डॉक्टर जी के अरोड़ा। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2007 में आया। उससे पहले थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब 11 साल का था पिताजी एक्सपायर हो गए थे, पैर से डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, OS से दिव्यांग हूँ, सोचा था कि IAS बनूंगा, कोशिश की साथ साथ तैयारी भी की, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे हायर एकेडमिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो अंदर का जो ज़मीर था वो यही गवाही देता था कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में जाके ऑफिसर नहीं बनना, मुझे इधर में हायर एकेडमिक्स में इसलिए आना है क्योंकि मैं बच्चों को शेप देना चाहता था। 2011 में मेरा MPhil ख़त्म होते ही एज ए एडहॉक फैकल्टी मैंने ज्वाइन कर लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, साथ में मैंने PhD किया, PhD के साथ साथ मैंने 2016 में अपना PhD कम्प्लीट किया। बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बात की कि मेरा परमानेंट कराइए, कहीं पे परमानेंट कराइए, तो दुर्भाग्य मेरे को जो देखने को मिला, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गया, जोधपुर यूनिवर्सिटी में जिसके ऊपर आज भी वाइस चांसलर के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में 5 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है वो लिस्ट चेंज हो जाती है और उस लड़के का सिलेक्शन होता है जो लड़का बिल्कुल बाद में नेट जिसने बाद में क्वालिफाई किया था, बड़ा आश्चर्य होता है। उसी के साथ साथ फिर मैंने इग्नू में भी इंटरव्यू दिया, इग्नू में भी मैंने अप्रोच लगाई, फारूक अब्दुल्ला जी के यहां से अप्रोच लगाई, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वहां पर भी पता चलता है कि उन्होंने अपने किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जामिया में इंटरव्यू दिया, जामिया में भी वही, हर जगह गॉडफादर की आवश्यकता होती है और जहां बगैर गॉडफादर सिलेक्शन होता नहीं है, सबको पता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर बगैर गॉडफादर के भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो गॉडफादर के बगैर सिलेक्शन होने के बाद एडवोकेजम का शिकार रहता है। 7 साल से मैं भी उसका शिकार हूँ। इसी ड्यूरेशन में मैं पहले ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं आता था, इसलिए नहीं आता था कि ठीक है अपनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्चों को शेप दे रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज नेवी में है, आर्मी में है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ जो मेरा अपना जमीर अलाउ करता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आज 7 साल हो गए, आप देख ही रहे हैं अभी ये मूवमेंट दिनों से चल रहा है और आगे गति की तरफ है, कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी और विश्वविद्यालय में 4500 लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, मैं किसी 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में ये बात बताया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ MA और NET का ही सिलेक्ट कर लिया जाता है एडहॉक में। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े गर्व से बताना चाहता हूँ, हम MA और NET नहीं है। यदि क्वालिफिकेशन चेक की जाए मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरे को 2017 का बेस्ट एक्सेप्शनल दिल्ली स्टेट का अचीवर्स अवार्ड डिफरेंट लेवल कैटेगरी में मिला है, जो कि माननीय दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। मैंने 2 बार NET क्वालिफाई किया, JRF क्वालिफाई किया, 4 बुक एडिट कर चुका हूँ, दर्जनों रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, मैं टर्की में जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेशन भी चेयर कर चुका हूँ। अभी तक मेरे पास 16 कंट्रियों से इनविटेशन आए, जिसमें से 3 कंट्रियों में मैंने विजिट किया है। हम इनकॉम्पिटेंट नहीं है, किसी भी तरीके से हम किसी से पीछे नहीं है, बस ये है कि हम अपना काम करने में विश्वास करते हैं। जितने भी ज्यादातर एडवोक्स है, 99% एडवोक्स अपने काम में विश्वास करते हैं, वो ज्यादा पॉलिटिक्स में इधर उधर पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ते, अपने करियर पे ध्यान देते हैं। और हमें यदि देखा जाए तो बात भी सकते हैं, हम अपॉइंट हुए हैं बच्चों का भविष्य देने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए, जिसमें हम पीछे नहीं रहते। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल आप जैसे मोबाइल में देख सकते हैं, मेरे बारे में बहुत बार स्टोरी भी शेयर हुई है,
इस स्टोरी को आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं दैनिक भास्कर में, पूरे ऑल इंडिया एडिशन में थी और पहले भी कई बार स्टोरी शेयर की गई है। तो मैसेज दूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस मांग को सुने और एब्जॉर्प्शन के मुद्दे को प्राइम लिस्ट में लेकर ऑर्डिनेंस के द्वारा सबको परमानेंट करें। ये इश्यू दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं है। आप एक तरफ तो रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग होना चाहिए और दूसरी तरफ हाईली क्वालिफाइड टीचर को एक्सप्लोइटेटिव नेचर में फंसा रहे हैं। तो आप सिर्फ बोल सकते हैं, भाषणबाजी कर सकते हैं कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटी आएगी, वर्ल्ड रैंकिंग में आप ऐसे विश्व गुरु बनने का सपना हम नहीं देख सकते। धन्यवाद। अंतिम बात मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों का आगे का क्या प्लान है, क्या महिला शिक्षक भी आपके साथ? बिल्कुल, हमारे साथ कल का दिन 8 तारीख को महिला शिक्षकों ने खुद ही तय किया है कि वो 24 घंटे के भूख हड़ताल पे बैठेंगी। महिला शिक्षकों को हमारी भी सहभागिता होनी चाहिए और हम फुल कल केवल और केवल इस मंच पे महिला शिक्षक ही होंगी और महिला शिक्षक ही इस मंच का संचालन भी करेंगी। महिला शिक्षकों की संवेदना और महिला शिक्षकों की पीड़ा हम मेल पुरुष शिक्षकों से ज़्यादा है। महिला शिक्षकों को ज़्यादा सहना पड़ता है इस एडहॉक सिस्टम में। ऐसी ऐसी महिला शिक्षकों की कहानी इस विश्वविद्यालय में है जो कि आप सुनोगे तो दिल दहल जाएगा। शहीद भगत सिंह की एक महिला शिक्षक ने मुझे बताया था कि उसकी सीजेरियन डिलीवरी के अगले दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने फ़ोन करके कहा कि आप ज्वाइन करते हो या आपको टर्मिनेट करें। मेरे कॉलेज में एक शिक्षिका का 8 महीने के बाद सीढ़ियों के ऊपर क्लास लेने की वजह से 8 महीने में मिसकैरेज हो गया। वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक था। एक महिला शिक्षक जो एडहॉक की नौकरी बचाने के लिए उसका 9 महीने का बच्चा, उसके 9 महीने के चाइल्ड की डेथ हो गई। मीन्स हर चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न अलाइव। ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं महिला शिक्षकों के साथ इस विश्वविद्यालय में हो रही हैं जिसकी वजह से ये विश्वविद्यालय कहीं भी मानवीय स्तर पे, ह्यूमन राइट की बात करें तो उस स्तर पे ऊपर नहीं कहा जा सकता। यहाँ मानव अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, मानव अधिकारों की हत्या की जा रही है और इस निसंग हत्या, इस हत्या के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और जब तक हर एक अडॉक शिक्षक का समायोजन नहीं हो जाता, भारत सरकार ऑर्डिनेंस बना के 4,500 से ज़्यादा जो अडॉक शिक्षक काम कर रहे हैं उनका परमानेंट नहीं कर देती, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और डटे रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे अंतिम सवाल के रूप में यह जानना चाहती हूँ, समायोजन और 200 पॉइंट रोस्टर, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैडम, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इस समय एडहॉक टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो 200 पॉइंट रोस्टर पर पढ़ा रहे हैं सभी लोग। जब हम समायोजन की बात करते हैं तो इसका निहितार्थ ये है कि 200 पॉइंट रोस्टर के साथ सभी लोग वहाँ एब्जॉर्ब हों। देखिए, एक बात तो साफ नजर आ रही है, माफ कीजिएगा मैं बिल्कुल एकदम बेबाकी से बोल रही हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में हम टीचर्स भी, सभी टीचर्स में शामिल हैं, रोस्टर पे ईमानदारी से कोई काम नहीं करते। जब उनका अपना टीचर जाता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत फेरबदल कर देता है। ये मैं बिल्कुल माफी के साथ आप सबके सामने, दर्शकों के सामने के मानने पर मजबूर हूँ कि वो जब तो चाहे। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इस समय जो कॉलेजेस में रोस्टर्स हैं वो परमानेंट टीचर्स की खेल की वजह से 200 पॉइंट रोस्टर की हत्या करता है, यानी कि रो रोस्टर गलत है? मैं बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ शिक्षक समुदाय की बात कर रही हूँ। और ये मैं क्योंकि नहीं, मुझे भी पूछना चाह रही हूँ कि वो रोस्टर कहीं ना कहीं वो लेकर के कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपका सवाल, मेरा मानना अपना ये है पहले सवाल से पहले कि 200 पॉइंट रोस्टर को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम टीचर्स की है। लेकिन जब हम रोस्टर को देखिए मैडम, यहाँ दो चीजें हैं, या तो हम पहले रोस्टर को दुरुस्त कर लें, यही मेरा सवाल है, या तो हम रोस्टर को पहले दुरुस्त कर लें, करना नहीं चाहते, या तो हम रोस्टर को पहले दुरुस्त कर लें या नहीं तो पहले एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़ लें। दोनों लड़ाई एक साथ नहीं हो सकती है चूंकि ये दोनों विरोधी युग में, एब्जॉर्प्शन और 200 पॉइंट रोस्टर। हमारा क्लियर कट डिमांड है कि रोस्टर में जो भी गड़बड़ी है उसको इस समय, वो 5-10% हो सकता है, उसको हम थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए हमारा प्राइम एजेंडा भी एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जो शिक्षक जिस पोस्ट पे जिस भी स्थिति में पढ़ा रहे हैं उनको वहां एब्जॉर्ब किया जाए,
रही बात हिसाब किताब की रोस्टर को लेकर, आगे भी पोस्ट आएंगे, रिटायरमेंट होंगे, सेकेंड ट्रांस का पोस्ट आएगा, हम वो हिसाब वहां कर लेंगे। लेकिन जब हम इस मंथ से हम ये कहेंगे कि रोस्टर करेक्ट करो, इसका मतलब है कि हम कुछ साथी को सिस्टम से बाहर फेंकेंगे जो गलत रोस्टर पे, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा एक डिमांड है कि जो टीचर जिस स्थिति में जिस पोस्ट पे पढ़ा रहा है वो वहाँ परमानेंट हो। चूंकि 200 पॉइंट रोस्टर में हो क्या रहा है, वर्कलोड कम हुआ, बीच से एक टीचर निकला, उसके बाद सारा रोस्टर हिल जाता है। हिलने का मतलब है यूआर वाले चले जाएंगे ओबीसी पे, एससी वाले चले आएंगे एसटी पर, तब तो फिर ये एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। यही मैं जानना चाह रही हूं। तो हम एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, और जब हम रोस्टर करेक्ट करने की, तो रोस्टर तो एक जिन है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ये बड़ा राक्षसी रूप लिया है। हम जब भी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो भारत सरकार क्या करती है, रोस्टर को लेकर के एक एसएलपी फाइल कर देती है और कह देती है यूजीसी को आप इंटरव्यू रोको। तो उन्हें एक भारत सरकार को एक मौका मिल जाता है इंटरव्यू रोकने का, इस आड़ में वो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन हो। रही सामाजिक न्याय की, जो संवैधानिक हक हमारे साथियों को मिला है उसका एकदम 100% हिसाब होगा। लेकिन हम दोनों लड़ाई एक मन से नहीं लड़ सकते, इसलिए हम इस लड़ाई में इस बैनर के तले हम केवल और केवल समायोजन की बात करेंगे। और इसी मामले को लेकर के हम सभी साथी एकजुट हुए थे और हमने महागठबंधन भी किया था। आपके साथ स्टूडेंट यूनियन साथ में काम कर रही है समायोजन के मुद्दे को? मैडम देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में यह सब कुछ निर्णय होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में यदि समझ नहीं बन पाती है, हम ओपन मंच पर वोटिंग से निर्णय लेते हैं। स्टूडेंट यूनियन को अब तक हमने संपर्क नहीं किया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, हम इस एजेंडे को रखेंगे, जो भी निर्णय होगा इस दिशा में हम उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं जो लगातार समसामयिक मुद्दे पर बात करते हैं। आज आप यहाँ हंगर स्ट्राइक पे जो बैठे हुए उनके साथ हैं और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में के अध्यापक भी हैं, आपको क्या लगता है कि आज का जो सिनेरियो है, आजकल का जो सिनेरियो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, यहाँ तक कि कईयों की डेथ भी हुई है, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मतलब आप उसमें जाके देख लें, अगर जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आज आपकी स्ट्राइक को भी चौथा दिन है, आपको आप इनको कैसे देखते हैं, क्या इससे लगता है आपको कि समायोजन का मुद्दा आपका जो है वो हल हो जाएगा? बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। अभी फिलहाल जो स्थिति है पूरे मुल्क में, नौकरियों को लेकर के एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कैसे मंडरा रहा है? राज्यसभा में तो बकायदा और प्रकाश जावड़ेकर के की बकायदा बयान आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज को परमानेंट किया जाए, टीचर्स को परमानेंट किया जाए। मतलब आपके बगल में हरियाणा यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में लगातार टीचर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट पे उनको परमानेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, यूपी में किया जा रहा है, राजस्थान में किया जा रहा है, साउथ की यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आ रहा है? नहीं, खतरा मैं दूसरे अर्थ में कह रहा था कि नौकरियां मिल नहीं रही हैं दूसरी, और जिन्हें मिली हुई हैं उनके ऊपर भी खतरा है। अब इसको है ये मामला पूरा राजनीतिक, जिन जगहों पर दो स्तर पे मैं इन्हें देखता हूँ, जिन जगहों पर उनका उनके हित दिखते हैं वहाँ वो कई नियमों को ताक पे रख करके एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। यानी और, कि स्टेट यूनिवर्सिटी, हाँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन अलग अलग है। ये तो क्लियर है, यूजीसी में भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में फर्क है, उसमें तमाम बारीक पेचीदगियां हैं। दूसरा एब्जॉर्प्शन वहां वहां हुआ है जहां रिजर्वेशन लागू नहीं था, जैसे उत्तर प्रदेश में जितने अस्थाई मतलब तदर्थ वो थे जिनका क्राइटेरिया भी अलग तरीके का था, बियॉन्ड द रूल एंड रेगुलेशन उन 986 लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको इस रूप में भी देखें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज रिजर्वेशन किसी औने पौने ढंग से ही सही, लेकिन लगा हुआ है, 200 पॉइंट रोस्टर काम कर रहा है। इसलिए यहाँ वो नहीं चाहते कि एब्जॉर्प्शन हो। पहले तो ये कि ये रोस्टर ही ठीक नहीं है, 97 से एस सी एस टी को मिलना था और 7 से ओबीसी को मिलना था, सितंबर 2013 से ये बना और सितंबर 2013 से मिला, उसमें भी डीओपीटी का रोस्टर कहता है कि डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट से बनेगा,
दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता है और सब हर स्तर पे मैनिपुलेशन है, रोस्टर बहुत गलत है। लेकिन जब आपको ये लगता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी 100% लड़ाई, तो इस मुल्क में फिलहाल अभी वो स्थिति नहीं है कि मिलेगा हक उन्हें। ऐसे हालात में जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितने हैं जो काम कर रहे हैं कम से कम उन्हें तो अब्सॉर्ब कर लो, और वो 200 point रोस्टर पर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी रोस्टर का इस समायोजन में फिलहाल कोई पेचीदगी नहीं है, जो पेचीदगियां हैं वो ओवरऑल सिस्टमेटिक है। हर कॉलेज का रोस्टर गलत है और गलत रोस्टर पे गलत लोग पढ़ा रहे हैं, और ये संख्या कुछ साथी मान सकते हैं कि 2-4%, मैं कहता हूँ कि 40% से कम नहीं होगा। लेकिन जब खतरा ये मंडराने लगे कि आपके लोग बिल्कुल सिस्टम में नहीं है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कम से कम 200 point रोस्टर चल रहा है। हमारे 4,500 से 5,000 एडहॉक लगभग उसी रोस्टर पे काम कर रहे हैं, तो इसका दबाव इसलिए बना रहे हैं कि जो सिस्टम में आ गए हैं वो तो स्थायी हो जाएं, और वो अगर स्थायी होते हैं उनमें भी अगर रिजर्व कैटेगरी के लोगों की सीटें आएंगी तो फिर वो उस लड़ाई को मजबूत करेंगे जहां जहां खामियां पूरे सिस्टम में हैं। इसलिए ये विथ रोस्टर ये एब्जॉर्प्शन करने में कोई दुविधा नहीं है और होना चाहिए 200 point रोस्टर पे। हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, वो बताएंगे कि आगे की आपकी क्या रणनीति। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, आपकी एसोसिएशन आपके साथ है। मैम अभी हमने जो है यहाँ से किसी से अप्रोच किया नहीं है, और रणनीति जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करती है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आज के आगे की रणनीति के लिए होनी है। फिर भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं एक दो दिन में कि हम जो एडहॉक टीचर्स हैं उनके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके जो बच्चे हैं उनका मार्च निकालें, ताकि सरकार को समझ में आए कि क्या स्थितियां हैं उनकी फैमिलीज़ की, कितना उनके ऊपर प्रेशर है, कितना डिपेंडेंट लोग हैं उन पर। इससे भी दूसरी बात कि अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच नहीं किया है, लेकिन फिर भी कल हमने जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ आए थे, हमने उनको मंच से बोलने की तो नहीं लेकिन उनसे बातचीत करके उनको अपनी जो समस्या है उसको बता दिया है। आगे भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जानी है कि किस तरीके से हम जो पार्टियां हैं, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सरकार समर्थित जो सांसद हैं, उनसे किस तरीके की जो अप्रोच की जाएगी इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। हमारी समस्या ये है, चाहे आप विपक्ष में बैठे हो या सरकार के पक्ष में बैठे हो, समस्या विपक्ष वाले लोगों के टीचर विंग के साथ भी है और सरकार समर्थित जो यहाँ का टीचर विंग है उसके साथ भी है। तो हम दोनों ही सांसदों, दोनों ही सरकार समर्थित और प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उनको अप्रोच करेंगे कि हमारी इस लड़ाई को कैसे समाधान दिलवाए। समर्थन नहीं मांग रहे हम उनसे, हम उनसे समाधान मांग रहे हैं। तीसरी बात जो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 5 parties हैं, 5 parties के जो नेता आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने अपने ओपिनियन रजिस्टर हमारे पास है एक, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा जो समर्थन है इस आंदोलन के साथ। अगर ये 5 parties हैं, और यहाँ की अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमेटियों की बात करें तो वाइस चांसलर को खाली जो है नियुक्त करके भेजता है सरकार, लेकिन यहाँ की जो जितनी कमेटी बनती है वो यहीं के टीचरों द्वारा बनती है, तो उनकी जो इतने दिनों की आपस के संबंध है उस आधार पर भी समस्या का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो अब हम आगे के जो हमारी रणनीति रहने वाली है उसमें रहने वाली कि सभी पार्टियों को हम एक एक दिन के लिए मंच देंगे और उनसे समर्थन मांगेंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो कितना हमारे समर्थन में हैं, और इससे जो एक विभेद है कि इनके एडहॉक है उनके एडहॉक है, जो एडहॉक का डिवीजन जो करते हैं पार्टी लाइन के आधार पर, उसको खत्म करेंगे। जैसा कि हम पोस्टर में भी लिख चुके हैं समायोजन, तो वैचारिक समायोजन के लिए भी जो है हमारी आगे की रणनीति है, ताकि वो सारे एडहॉक बाहर आए जिनको डर है कि उनकी अगर हम इस मंच पर गए तो हो सकता है कि हमें अगले सेमेस्टर में निकाल दिया जाएगा या उनके पार्टी के लोग उनको मना करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि उन सभी पार्टियों को एक एक दिन हम यहाँ लाएंगे, ताकि उन सभी जो लोग हैं एडहॉक जो उन पार्टियों में है उनको भरोसा हो कि हमारी पार्टी या हमारी पार्टी या हमारी पार्टी, सभी पार्टियां जो है इस आंदोलन के समर्थन में हैं। तो इससे जो है एक समायोजन वैचारिक भी हो पाएगा और जो हमारा आंदोलन है वो मजबूत हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सुना हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की क्या समस्या है, किस तरीके से वो इतनी ठिठुरती ठंड में जहाँ हीटर चला के बैठते हैं, आज वो अपने स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी गरिमा की लड़ाई ले रही है। एक शिक्षक जो एक बहुत ऊंचा पद है, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। और मेरा आप सब दर्शकों से अनुरोध है कि ऐसे मुद्दों पे, जो गंभीर मुद्दे हैं हमारे, जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारे जितने भी जो लोग हैं जानने वाले, वो इनका समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबने इनको सुना। और इस उम्मीद के साथ कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, कब तक रहेगी ये हम समय पर छोड़ देते हैं। जय भीम, जय भारत।